चुनाव में वोट डालना सभी नागरिकों का अधिकार है। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकता है। दोस्तों इसी के लिए आपको वोट डालना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपको वहां पे एक मतदाता पर्ची की जरूरत होती है। दोस्तों ऐसे तो ये मतदाता पर्ची आपको गांव से ही मिल जाती है। जो भी प्रधान में या किसी भी चुनाव में खड़े होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो आपके घर तक ये पर्ची भिजवा देते हैं, या फिर जो BLO होता है उनके द्वारा आपको ये पर्ची मिल जाती है, जो कि निर्वाचन आयोग से मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये नहीं मिल पाती है तो अब आप इस पर्ची को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्ची की मदद से ही आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड करके वोट डालने जा सकते हैं, जहां पे आपको ये पर्ची दिखानी होती है और आप फिर वहां पे अपना वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पर्ची को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चुनाव तो कई राज्यों में चल रहे हैं और कई राज्यों में वोट भी डल रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं। आप अपने राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहां से इसी प्रक्रिया को अपना के अपनी मतदाता पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी मतदाता पर्ची डाउनलोड करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपको अपनी मतदाता पर्ची डाउनलोड करनी हो तो आपको उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। आप इसका एड्रेस देख लीजिए, sec.up.nic.in/site/index.aspx। आपको गूगल में सर्च करने पर भी ये वेबसाइट मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। अब देखिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे इलेक्शन पे जाना है, और इलेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ULB वोटर सर्च। यहाँ से आप शहरी क्षेत्र की पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपको पंचायत वोटर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको एक बार पंचायत का करके दिखाता हूँ। तो मैं पंचायत के ऊपर क्लिक करूंगा। पंचायत के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना जनपद चुनना है। जनपद का चयन करने के बाद आपको अपना विकास खंड चुनना है, उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत चुनना है। अब आपको यहाँ पे नाम डालना है मतदाता का, तो जो भी नाम से आप यहाँ पे पर्ची सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसका नाम इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद टैब या स्पेस दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अंग्रेजी में हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ संजीव, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हिंदी में हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो वो अंग्रेजी में हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड देना है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आप देख पाएंगे आपकी जानकारी यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट पर्ची। आप देख सकते हैं जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्ची आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। इसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट स्लिप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लिप जो है इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शहरी पर्ची डाउनलोड करने के लिए इलेक्शन पे जाना है और ULB वोटर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको वही जानकारी चुननी है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है और अपनी जो आपकी वोटर पर्ची है, जो मतदाता पर्ची है, वो इस प्रकार से अपनी डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान प्रोसेस है जहाँ से आप अपनी मतदाता पर्ची को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।